देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। इस चुनावी मौसम में हर बड़े से बड़े मुद्दे पर हिंदू, हिंदुत्व और श्रीराम का मुद्दा भारी पड़ रहा। बीजेपी की तो विचारधारा और बुनियाद ही हिंदुत्व पर टिकी है। इसी हिंदुत्व के बलबूते वो पिछले 10 सालों से केंद्र से लेकर अलग अलग राज्यों की सत्ता साधने में कामयाब हुई है, और यही वजह है कि विरोधी पार्टियां अब बीजेपी के इस फॉर्मूले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के मुकाबले अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की एक इमेज तैयार की है। अब विधानसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव से पहले पार्टी के दिग्गज नेता अपनी इसी इमेज को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी तस्वीर नजर आई है मध्य प्रदेश से, जहां प्रियंका गांधी की जुबान से राम कथा के प्रसंग निकले और प्रियंका ने राम कथा के जरिए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। वही पीएम मोदी ने गुना में भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि हम जितनी शिद्दत से राम मंदिर बनवा रहे हैं, उतनी ही भक्ति से गरीबों का घर भी बनवाते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में भगवान राम, हनुमान और रावण के भाई अहिर रावण की एंट्री हो गई है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर के सांवेर विधानसभा सीट पर जनसभा करते हुए रामकथा के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और रामायण के प्रसंग के साथ कांग्रेस के साथ धोखा देने वालों की भी सबक सिखाने की अपील कर डाली। प्रियंका ने सांवेर के उल्टे हनुमान मंदिर का जिक्र करते हुए रामकथा का प्रसंग सुनाया। वही जानकारों की माने तो हिंदुत्व की हवा का रुख कैसे अपने पाले में मोड़ना है, प्रियंका गांधी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छी तरह से सीख चुकी है। कर्नाटक में अपने चुनावी अभियान के दौरान वो कई अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने पहुंची थी। इतना ही नहीं, जिस दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे, उस दिन वो सुबह सुबह प्रियंका शिमला के हनुमान मंदिर पहुंच गई थी। मतलब साफ है कि 24 के चुनाव में मात देने के लिए प्रियंका हिंदुत्व पर बीजेपी को पटखनी देना चाहती है।